हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसी गजक घर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसके लिए मैंने लिया है गुड़। गुड़ को मैंने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही मैंने ली है यहाँ पर मूँगफली, जो बाज़ार में आजकल ईजिली अवेलेबल हैं। रोस्टेड मूँगफली जो मिलती हैं, जिन्हें हम नॉर्मली खाते हैं, उन मूंगफली का इस्तेमाल गज्जक बनाने में किया जाता है। तो मूंगफली को तोड़ के उनका सारा छिलका निकालना है और उसके बाद ही हम उन्हें गज्जक में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पीनट्स को साफ करके यहाँ पे ले लिया है। अभी कढ़ाई में डालेंगे गुड़, जिसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। तो पतले पतले टुकड़े यहाँ पे मैंने गुड़ के लिए थे, जिससे चाशनी आसानी से और जल्दी बन जाएगी। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है और कढ़ाई भी हमेशा हमें भारी तले वाली लेनी है। ऐसा करने से हमारी चाशनी नीचे से नहीं जलेगी, तो गुड़ का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा और साथ ही टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। कंटिन्यू चलाते हुए इसकी चाशनी हमें तैयार करनी है। जो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े आपको लग रहे हैं आपकी चाशनी में, तो आप उन्हें स्पैचुला से दबाते हुए आप चाशनी तैयार कर लें। तो ऐसे करने से वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे और जल्दी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो पूरी तरह से मेल्ट करने के बाद अभी हमारा गुड़ चाशनी बनने वाली फर्स्ट स्टेज में पहुँच गया है, लेकिन अभी चाशनी नहीं बनी है। मेल्ट होने के बाद ये ना सोचें कि चाशनी तैयार हो चुकी है, कंटिन्यू इसे चलाते रहें। 2 से 3 मिनट में आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद 4-5 मिनट के अंदर आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे आप देखें। अभी इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ फ्लेवर। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसका भी फ्लेवर गुड़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी हमारी चाशनी काफ़ी फूल गई है और लगभग ये 80% यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो पीनट्स को थोड़ा सा तोड़कर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पीनट्स डालने के बाद कंटिन्यू से 1 से 2 मिनट चलाएंगे, जिससे सारा पीनट्स और गुड़ आपस में अच्छे से मिल जाए। आप चाशनी का कलर देख सकते हैं, कितना लाइट और फूला हुआ दिख रहा है। तो ऐसे स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है और सारा मिक्सचर इकट्ठा कर लेंगे किसी बर्तन में सेट करने के लिए। और जिस बर्तन में हमें ये मिक्सचर सेट करना है, उसे घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रिंग लिया था। अगर आपके पास कोई रिंग है तो आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप कैसे भी इसको सेट कर सकते हैं। घर के लिए कोई परफेक्ट शेप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से सारा मिक्सचर मैंने इस रिंग में डाला था और पूरा डालने के बाद में हाथों की हेल्प से थोड़ा सा उसको एक परफेक्ट राउंड शेप दे दिया था। 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने ये सारा प्रोसीजर किया और साथ ही जो रिंग मैंने डाला था उसे निकाल लिया था। अभी मैं यहाँ पर लूँगी एक गिलास और गिलास की हेल्प से इस तरह से उसे प्रेस करूँगी। तो ऐसा करने से जो गज्जक का ऊपर वाला पोर्शन है वो पूरा प्लेन आ जाएगा। जैसे पीनट्स की वजह से वो थोड़ा ऊंचा नीचा दिखाई देता है, तो वो एकदम इक्वल शेप में आ जाएगा। ऐसा करने के बाद मैं इसे मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे, और 1 घंटे बाद हम इसे रिमूव करेंगे। तो ईजीली ये रिमूव हो गई थी। तो और इसका टेक्स्चर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक होने के बाद भी, मोटी होने के बाद भी गज्जक हमारी इजीली टूट रही थी। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।